नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। भारत में निकलने वाली हर एक वैकेंसी की अपडेट, योजनाओं की जानकारी आप सभी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ग्राम पंचायत भर्ती के बारे में यहां पर हमारे पास एक अपडेट आई है। नोटिफिकेशन जारी हुआ है, कहाँ का हुआ है? मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव भर्ती नोटिफिकेशन योग्यता 12वीं पास के लिए है। दोस्तों, नया आदेश अनुसार सारी पूरे मध्य प्रदेश में होगी भर्ती। जाने संपूर्ण जानकारी किस किस पंचायत में भर्ती होगी। दोस्तों, जैसे कि इससे पहले एक और हमने वीडियो बताया था कि वहां पर भी भर्ती निकली है, और इस प्रकार से अब दूसरा एक और जिला आ चुका है जहां पर भर्ती निकली है। दोस्तों, एक एक करके जो है वो पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में भर्ती निकलने वाली है पंचायत सचिव की। तो चलिए, क्या है क्वालिफिकेशन, क्या है योग्यता, कौन कौन सी पंचायत में पद खाली है, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर पर आ जाना है। ठीक है, क्रोम ब्राउजर पर आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है जिला देवास। ठीक है, यह भर्ती अगर हम दोस्तों बात करें तो देवास जिले में निकली है। तो देवास जिले के किस किस ब्लॉक में निकली वो भी हम आपको बताएंगे, बस वीडियो के एंड तक बने रहिए। यहाँ पर हम जैसे ही जिला देवास या डिस्ट्रिक्ट देवास डालेंगे, यहाँ पर आपको देवास डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाना है, www.dewas.nic.in। इस पर आने के बाद आपको स्क्रोल डाउन करना है। दोस्तों, स्क्रोल डाउन करते जाना, और यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको नया क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजन ग्राम पंचायत सचिव के पद हेतु भर्ती हेतु विज्ञापन, इस पर आपको क्लिक कर देना। दोस्तों, अगर आप दिव्यांग नहीं है फिर भी आपको ये आवेदन कर देना। दोस्तों, अगर कोई दिव्यांग इसमें आवेदन नहीं करता है तो उन्हें तो ये पद भरना है। ठीक है, अगर आप दिव्यांग नहीं है, जैसे कि जिले में मान लीजिए कि 5 विकास खंड में या 15 पंचायत में 50 पंचायत में भर्ती निकली है, 50 पंचायत में से केवल 5 पंचायत में दिव्यांगों ने आवेदन किया है, बाकी 45 पंचायत रिक्त है। ठीक है, तो आप अगर आवेदन करते तो हो सकता है कि आपको वो रख ले, तो इसलिए आपको आवेदन तो इसमें जरूर कर देंगे, क्योंकि निःशुल्क आवेदन, कोई भी आपका चार्ज यहाँ पर नहीं लग रहा। पीडीएफ डाउनलोड करते हैं यहाँ पर हम, यहाँ पर देख सकते हैं विवरण भर्ती विशेष अभियान के तहत दिव्यांगजन ग्राम पंचायत सचिव के पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन है। स्टार्ट डेट इसकी 19/11/2024 से इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों, और स्टार्ट के बाद इसके 9/12/2024 यानी 9 दिसंबर 2024 तक इसके आवेदन किए जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। आप इसे जरूर से आवेदन अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पर आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर अपनी जो है वो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। दोस्तों, अब यहाँ पर हम इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, कार्यालय जिला पंचायत देवास मध्य प्रदेश, जिला चिकित्सालय के सामने, एमजी हॉस्पिटल रोड, विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजन ग्राम पंचायत सचिवों की पद की पूर्ति हेतु। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विज्ञप्ति का नाम दृष्टिबाधित है, लोकोमीटर डिसेबिलिटी, यहाँ पर आप सभी जानकारी देखने को मिल जाएगी। ग्राम पंचायत सचिव 2 पद है यहाँ पर टोटल। ठीक है, यहाँ पर मान्यता प्राप्त शैक्षणिक बोर्ड से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी कि 12वीं पास होना चाहिए आपको, कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, अगर आपके पास UGPG है तो बहुत अच्छी बात है। 19/9/12/2024 के अनुसार, ठीक है, यहाँ पर दिनांक 16/12/2024 से 20/12/2024 तक प्रातः 11 बजे से 4 बजे तक। उपरोक्त आवेदन पत्र निर्धारित अंतिम तिथि 9/12/2024 कार्यालयीन अवकाश के दिनों को छोड़कर ऊपर दिए गए कार्यालय के पते पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत देवास के नाम से आपको संशोधित करना है। अब आप बोलेंगे कि ऊपर कहाँ दिया गया है एड्रेस, तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर यहाँ पर जो एड्रेस दिया गया, ठीक है, कार्यालय जिला पंचायत देवास, पता जिला चिकित्सालय के सामने, एमजी हॉस्पिटल रोड, देवास मध्य प्रदेश, फोन नंबर आपको डाल देना है। चलिए, और कुछ अगर हम इसमें नई जानकारी देखें तो यहाँ पर आपको जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आयु सीमा जो अधिकतम न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। आपके पास निःशक्तता का डिजिटल प्रमाण पत्र यानी आपके पास जो है वो कार्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो जिससे जिस आवेदक की 2 से अधिक जीवित संतान है उसमें से एक का जन्म यदि 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है तो ऐसा आवेदक नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। ठीक है, अगर हम इसमें और देखें तो नियुक्ति संबंधी समस्त अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत देवास के पास सुरक्षित रहेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत सचिव के पद के लिए आवेदन पत्र, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको पता नहीं है कि कहाँ कहाँ पर मध्य प्रदेश के किस पंचायत में सचिव का पद खाली है तो उसका वीडियो हम जल्द ही लेकर आएंगे कि आप किस प्रकार से देख सकते हैं कि पंचायत सचिव का पद खाली है या नहीं, ग्राम रोजगार सहायक का पद खाली है नहीं।
तो यहाँ पर अगर आप इसे आवेदन फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ यहाँ पर हमने बता दी कहाँ से डाउनलोड होगी। ग्राम पंचायत सचिव के पद के लिए आवेदन का प्रारूप, यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगा देना है, यहाँ पर अपना नाम, पिता माता, पिता या पति का नाम यहाँ पर लिख देना है, आपका नाम लिख देना, नाम आप, उसके बाद यहाँ पर आपको जन्म तारीख लिख देना, अंकों में शब्दों में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त प्रतिशत लिख देना है, अन्य योग्यता लिख देना है, कंप्यूटर की योग्यता है तो ये लिख देना है, जाति कौन सी है वो लिख देना है, विवाहित अविवाहित, यदि आप विवाहित है तो दिनांक आपको लिख देना है, और अगर आप अविवाहित है तो यहाँ पर आपको खाली छोड़ देना है, ठीक है। और पत्राचार का पता आपको भेज देना है, स्थायी पता में भेज देता है। पूरी जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र में दर्ज कोई भी असत्यता जानकारी ग्राम पंचायत सचिव के पद के लिए अपात्र होगी, यानी आपको जो भी जानकारी भरनी है वो सभी सही भरनी है दोस्तों। तो दोस्तों पंचायत सचिव के पद पर जो भर्ती निकली है वो हर एक जिले में ये भर्ती निकलने वाली है, तो सभी जिलों की अपडेट सबसे पहले लेकर आएंगे आपके पास। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर हम बात करें सचिव के पद की भर्ती, तो ये वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से होगी, ठीक है। इसमें आपको कोई पेपर नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, डायरेक्ट आप इंटरव्यू के माध्यम से आपका चयन जो है वो किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।